लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज कि आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव आइडिया सोच पा रहे हो और आप लाइफ के अंदर कितने बड़े स्टेटस चेंजर हो। स्टेटस कोइस्ट नहीं, स्कूल में या कॉलेज के अंदर एज ए स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ मेरा कैसे बॉन्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए, हर चीज़ के अंदर मैं अपने रोल को इम्प्रूव करने लगा। स्टेटस कोइज नहीं रहा, स्टेटस इम्प्रूवर बन गया, स्टेटस चेंजर बन गया। मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज दीपक कुमार एंड आई हैव बीन रिकमेंडेड ट्वाइस फॉर आर्मी इन माई 8th and 9th अटेम्प्ट। इससे पहले मैं 3 बार स्क्रीन आउट एंड 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ। सो पहले तो यही नहीं पता था कि एसएसबी देख क्या रहा है, तो जाते थे एंड जो बुक्स के अंदर पढ़ा होता या फिर कहीं सुना होता किसी से वही जाके वह प्रोजेक्ट कर देते थे और स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट होकर आ जाते थे वापस। फिर धीरे धीरे फिर रियलाइज़ हुआ कि दे आर लुकिंग फॉर लीडरशिप क्वालिटीज़। और OLQ पढ़े थे बट मुझे लगता था कि यार OLQ तो सब में ही होते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद में मैंने सुना सीनियर से अबाउट लक्ष्य अकेडमी, फिर मैं आया यहाँ पे, यहाँ के फिर मैंने वो इंस्पायरिंग जर्नी सुनी लोगों की जो इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स के अंदर आके उन्होंने 5 BRCC करा लाइफ के अंदर अप्लाई और वो इतने हाई मेरिट के अंदर रिकमेंड हो गया आज ऑफिसर्स हैं आर्मी के अंदर, जो मैं भी काफ़ी मोटिवेट हुआ। मैंने सोचा ये कर सकते तो अपन क्यों नहीं, तो मैंने भी उनकी मैंने भी करा, चलो ठीक है 5 BRCC अपने को अप्लाई करना है। मैं सर के पास गया, मैंने सर को कहा सर आप तो सर से बात हुई, इंट्रैक्शन हुआ, सर ने कहा कि ठीक है तो हो जाएगा रिकमेंड अगर तो 5 BRCC अप्लाई करता है लाइफ में। तो मैंने फिर इससे पहले मैं 2017 में भी आ रखा था, तब भी मैंने 5 BRCC सुना था लक्ष्य अकेडमी में, लेकिन तब इम्प्लीमेंट नहीं करता था। तब सोचता था कि यार ईजीएस्ट मेथड चाहिए मुझे, उसके लिए बुक्स है, बुक्स के अंदर सारे आंसर्स मिल जाते हैं, रट्टा मार लो स्टोरीज का और वो लिख दो, बैठ कर रट्टा मार लो लिख दो। बट वो मैं थोड़ी हूँ, वो तो किसी और के आइडियाज या थाट्स हैं, मेरी पर्सनैलिटी मैच ही नहीं करेंगे उनसे। तो वो आया कि मैंने यहाँ पर फिर फैसला किया कि इस बार तो सर 5 BRCC करनी है। सर ने कहा ठीक है करता है तो हो जाएगा। फिर मैं यहाँ आने लगा, फिर अपनी मिस्टेक्स पता चलने लगी जो मिस्टेक्स मैं करता था, जो मुझे पहले रियलाइज़ नहीं होती थी। जैसे GD होता है, तो GD के अंदर मैं अपनी ही लीड को सपोर्ट इतना करता था कि दूसरों की लीड्स को टोटली इग्नोर करा देता था, ज़बरदस्ती अपने आप को शो करने के लिए कि मुझे तुम सेलेक्ट करो, SSB को शो करता था। दूसरा GP के अंदर मैं अपने आप को शो करने के लिए खुद को ज़बरदस्ती नॉमिनेट करवाता था, दूसरे को पॉइंट काटता था, सोचता था कि मेरे सॉल्यूशन अगर लग गए तो मैं ही बेस्ट हूँ, ऐसा बल्कि नहीं होता है। तो ऐसे में गलतियाँ काफ़ी करता था पहले के टाइम में। फिर सिमिलरली हर टास्क के अंदर जैसे लेक्चरेट होता है तो लेक्चरेट में भी नॉलेज झाड़ के खुश हो जाता था कि ठीक है मैं दे आया, बहुत बढ़िया लेक्चरेट था, बट एक्चुअल में वो नहीं था। फिर यहाँ पे मैं आया, फिर 5 BRCC का मकसद मैंने जाना कि है क्या। बेसिक सा मकसद यही था कि आप लीडरशिप आपके अंदर आए। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज कि आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव आइडिया सोच पा रहे हो और आप लाइफ के अंदर कितने बड़े स्टेटस चेंजर हो। स्टेटस कोइस्ट नहीं, अगर आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी चीज़ को तो आप एक लीडर हो। वो चीज़ आके मैंने यहाँ समझी, फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और एक बिलीफ के साथ कि ठीक है इससे मुझे इम्प्रूवमेंट आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे अपन 100 मीटर रेस दौड़ना चाहते हैं तो उसके लिए अपन रोज़ 100 मीटर रेस थोड़ी दौड़ते हैं, अपन उसके लिए अपनी ट्रेनिंग पे वर्क करते हैं, अपना स्टैमिना बूस्टअप करते हैं, अपनी डाइट्स इम्प्रूव करते हैं, अपना और भी XYZ चीज़ें करते हैं। तो सिमिलरली फिर रियलाइज़ हुआ कि SSB भी तो यही है, उसके लिए सिर्फ रोज़ टैट वैट SRT प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, उसके लिए माइंड को ट्रेन करो पहले, फिर उसको आप अप्लाई करोगे जब इनके अंदर तो वो रिजल्ट शो होगा। फिर मैंने 5 BRCC को अप्लाई करना स्टार्ट किया लाइफ के अंदर अच्छे से। तो जैसे 5 पॉइंट परसेप्शन करना स्टार्ट किया। 5 पॉइंट परसेप्शन क्या है बेसिक से, कि कोई भी टॉपिक है या कोई भी सिचुएशन है उसको आप 5 डिफरेंट एंगल में सोच पा रहे हो तो वो टॉपिक कम्प्लीटली कवर हो जाता है। तो वही चीज़ करी, जैसे एग्जांपल SSB में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि आपकी फेवरेट मूवी क्या है, कि फेवरेट टीचर क्या है, तो आप उसके अंदर आपको एक नाम देते हो कहता है कैसे, तो अपन एक या दो रीज़न दे के चुप हो जाते हैं। यहाँ मेरे पास 4 से 5 रीज़न होने लग गए। जैसे मूवी के अंदर पहले मैं कहता था कि सर मैसेज बहुत अच्छा था, कास्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ के रियलाइज़ हुआ कि मूवी के अंदर यही नहीं होता, मूवी तो बहुत चीज़ें होती है, कास्टिंग भी होती है, थीम भी होती है, सोशल मैसेज भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और भी बहुत चीज़ें होती है। तो 5 पॉइंट परसेप्शन ईजिली ब्रेक होने लग गया था। सिमिलरली फिर इसके बाद में सिमिलरली टीचर के लिए भी ऐसा ही होता है कि आप टीचर फेवरेट टीचर आपकी सिर्फ एक रीज़न से नहीं होती है कि उसकी नॉलेज अच्छी थी या कुछ और था, बहुत सारे रीज़न होते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग भी होता है, टीचर की गाइडेंस भी होती है, मोटिवेशन भी होता है और भी बहुत चीज़ें XYZ रीज़न होते हैं। तो यहाँ ईजिली मैं चीज़ों को बहुत डिफरेंट डायमेंशन में ब्रेक करना सीख गया। 5 पॉइंट परसेप्शन ने काफ़ी हेल्प करा मेरे माइंड को ब्रॉडन करने के लिए। पहले मैं बहुत नैरो माइंडेड सोचता था किसी भी टॉपिक को, जैसे ऑर्गेनाइज करो कोई टूर्नामेंट
तो मैं सिर्फ सीधा डायरेक्टली टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता, मतलब डायरेक्टली बोल देता था और खत्म बात। बट यहाँ के रियलाइज हुआ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वर्क करना होता है, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे आपको लोगों को इनवाइट करना हो, अपने टूर्नामेंट को प्रमोट करना हो, अवार्ड सर्टिफिकेट्स का अरेंजमेंट हो, और इसके अलावा मिसलेनियस जो मेडिसिन होता है, रिफ्रेशमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें होती है। ये चीज़ें मैं ब्रॉडली सोचने लगा और इनके अंदर फिर अपनी क्रिएटिविटी लाने लगा कि कैसे मैं करूँगा इन चीज़ों को। वहाँ मेरा माइंड काफ़ी ब्रॉडन हुआ और मैं आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव आइडिया सोचने लगा। तो मुझे फील हो रहा था कि हाँ, कि अब मेरे अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। फिर मैं अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करने लगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ही क्या है कि दिमाग में तूफान ला देना। तो माइंड की ट्रेनिंग है बेसिकली ये, जो मैं करने लगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, तो जैसे टूरिज्म है, तो टूरिज्म क्या है अपने को पता है, टूरिज्म बहुत 50 तरीके का होता है, टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म, ये टू स्पोर्ट्स टूरिज्म। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन एक अपने देश को सोच के अपन डिस्कस करते हैं कि हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम प्रेजेंट स्टेटस सोचता हूँ मैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है अभी टूरिज्म का इंडिया में, फिर ठीक है ऐसा ऐसा लेवल है, फिर उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं कि ठीक है 1 2 3 4 5 ये चैलेंजेस है, हमारा इंफ्रा वीक है, हमारा प्रमोशन नहीं है अननोन साइट्स का, वीमेन सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है, या फिर फंडिंग का बहुत बड़ा इशू है, या एटसेट्रा एटसेट्रा काफ़ी चीज़ें हैं, स्किल ट्रेनिंग नहीं है। तो इस तरह फिर इनके अंदर मेरे क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जो मैं सोचता हूँ क्या अप्लाई करने चाहिए जिससे वो कंडीशन इंप्रूव हो जाए, तो इससे मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग मैंने TAT पे भी करी थी, क्योंकि मैं पहले TAT में ब्लैंक हो जाता था और मैं इमेजिन नहीं कर पाता था स्टोरीज को क्या लिखना चाहिए। तो TAT पे ब्रेन स्टॉर्मिंग सीखी मैंने कि एक कैरेक्टर चूज होता है, कैरेक्टर का एक गोल होता है, गोल और प्रॉब्लम क्रिएशन में अंतर होता है, फिर उसके अंदर उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं 1 2 3 4 5, उन चैलेंजेस को करने के लिए फिर उनके सॉल्यूशंस होते हैं हर चैलेंज के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे करके 20 25 सॉल्यूशन आप ले आते हो। तो इससे और वो भी क्रिएटिव सॉल्यूशन, आपके खुद के सॉल्यूशन, तो वो आपकी ओरिजिनल स्टोरी होती है और आपने खुद सोची है तो वेरी गुड हो जाती है वो अपने आप ही। तो फिर साइक का डर निकल गया मेरे अंदर से। पहले इतना ज़्यादा डर था कि साइक पता नहीं क्या ही है, क्या ही होता है, हवा। लेकिन यहाँ के रियलाइज हुआ कि साइक बहुत सिंपल टेस्ट है, सबसे ईजिएस्ट टेस्ट है साइक SSB का, तो मैंने उस पर वर्क करने लगा। सिमिलरली फिर हर टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप लाइफ के अंदर जो रोल्स प्ले कर रहे हो, या आप जिस जहाँ से आप आते हो, आपका फोर्सेस के बारे में आप कर सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप जिस डिस्ट्रिक्ट स्टेट से आते हो उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, वहाँ के चैलेंज सॉल्यूशन सोच सकते हो, उसके ऊपर आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकते हो। जब ये आने लगे तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने लगा। फिर रियलाइज़ हुआ कि अगर अब मेरे अंदर दम आ रहा है, और अगर दम मेरे अंदर है ना एक्चुअल में, तो इस भी मुझे ले लेगी, तो प्रेशर हट गया दिमाग के ऊपर से। फिर उसके बाद में आता है रोल प्ले। रोल प्ले क्या है? रोल प्ले बेसिक सा है कि जितने आप लाइफ के अंदर रोल प्ले कर रहे हो, जैसे एग्जांपल आप एक सन का रोल प्ले कर रहे हो, आप एक डॉटर का, वाइफ का, हस्बैंड का, ब्रदर सिस्टर का, नेबर का, स्टूडेंट का, जितने भी उन रोल्स को आप कितना अच्छे से इम्प्रूव कर अच्छे से प्ले कर पा रहे हो, या उसमें कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका भाई है छोटा या बहन है, तो वो पबजी एडिक्टेड थे या हैं, तो आप उसको कम करने के लिए क्या कर रहे हो, आपके पास क्या क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ है। पहले मैं नहीं सोचता था कि ठीक है भाई अपना कर रहा है, वो उसकी लाइफ है, बट अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एज ए मैं भी उसका गार्जियन हूँ एक, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लाइफ को इम्प्रूव करना। या जैसे मैंने जो मिस्टेक्स करी, जैसे मुझसे NDA नहीं निकला, तो मैं उसको आज ही से गाइड कर रहा हूँ, 2 साल बाद उसका NDA पेपर है, तो मैं आज ही से उसे गाइड कर रहा हूँ कि ठीक है ऐसे ऐसे करना है अपने को, ऐसे ऐसे करना है, ताकि वो फर्स्ट टाइम में ही NDA करके रिकमेंड हो जाए। तो वो मैं आज ही से ट्राई कर रहा हूँ, वो मोबाइल एडिक्टेड है वो कर रहा हूँ, अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता तो उसके लिए मेरे पास क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया उसको इम्प्रूव करने का, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो मेरे पास क्या है, तो ऐसे रोल्स प्ले इम्प्रूव करने लगा। स्कूल में या कॉलेज के अंदर ऐसे स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ मेरा कैसे बॉन्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए, हर चीज़ के अंदर मैं अपने रोल को इम्प्रूव करने लगा। स्टेटस क्विज नहीं रहा, स्टेटस इम्प्रूवर बन गया, स्टेटस चेंजर बन गया। तो स्टेटस चेंजर की वजह से मेरी ना पर्सनैलिटी में धीरे धीरे अपना आप निखारने लग गया। एग्जाम्पल मैं जैसे PG में था, तो एज अ वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, तो अपना क्या होता है कि ठीक है अपनी अपनी जिम्मेदारी थोड़ी है कि सफाई वफाई करना, बट मैं सोचता था कि यार अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक मैं यहाँ रहूँ तो अपने आप को मेनटेन रखूँ हर चीज़ें यहाँ पे। तो जैसे हम खाना खाते थे, काफ़ी लोग वहाँ पे जो प्रिपेयर करते थे, तो सब खा के अपने अपने रूम में भाग जाते थे, बट मैं था कि उसको पूरा साफ़ करूँगा टेबल को, और कुछ और भी गंदा दिख गया TV तो उसको भी साफ़ कर दूंगा। तो मेरे को देख के काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुए और वो भी फिर करने लगे। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें जब करने लगते हो ना, तो अपना पर्सनैलिटी में निखार आता है। ये SSB के लिए नहीं कर रहा था, मैं खुद के लिए कर रहा था कि मुझे अपनी लाइफ किस तरह आगे ले जानी है।
मुझे सबको नहीं पता होता है कि वो SSB उनको लेगी कि नहीं लेगी, बट एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ को तो इम्प्रूव कर रहा था। SSB टेस्ट ऑफ लाइफ ही है और वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, तो अगर मैं सही कर रहा हूँ या सब कुछ मेरा इम्प्रूव हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे को ले भी लेंगे। तो इसके बाद में मैंने अपना रोल प्ले काफ़ी इम्प्रूव किया। फिर कनेक्टिविटी जो होती है, कनेक्टिविटी का मतलब बेसिक सा मतलब क्या है कि आप कितना इजीली डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो किसी भी टॉपिक को। एग्जाम्पल पुलिस, पुलिस को सोच के आपके अंदर क्या क्या माइंड में आ रहा है, पुलिस को सोच के आपके सेफ्टी याद आती है, सिक्योरिटी याद आती है, आपको इंटरपोल भी याद आ जाता है, आपको पुलिस रिफॉर्म याद आता है, आपको जुडिशियल कस्टडी याद आती है, आपको पीस याद आता है, आपको फ्रीडम याद आता है, आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स याद आते हैं, आपको CNRC याद आता है, आपको बहुत चीज़ें याद आती है। ये फटाफट अगर आप सोच पा रहे हो तो आप आपकी थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। ये आपको फाइव पॉइंट परसेप्शन और ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करती है। ये चीज़ें मैं करने लगा और ये मैंने SSB में अप्लाई भी करी और वहाँ रिजल्ट भी बहुत अच्छे शो हुए। उसके बाद में मैंने कनेक्टिविटी वैट पे भी करी। पहले मैं वैट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर जाता था कि यार वैट में लिखना क्या है, तो मैं रट्टे मारता था। तो वैट में फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है विमेन, तो विमेन के ऊपर मैं सोचता था क्या लिखूँ क्या लिखूँ। तो उसके बाद में अब रियलाइज़ हुआ कि विमेन को लेकर जो पहला थाट मेरे अंदर आ रहा है, देखो इतने 20-25 साल अपन धरती पे निकाल चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपना व्यू बन चुका है टॉपिक के ऊपर, उस व्यू को प्रोजेक्ट करना है वहाँ पे। तो वो ही व्यू को इम्प्रूव करने के लिए कनेक्टिविटी एक्सरसाइज बहुत हेल्प करी मेरी। विमेन को सोच के मेरे माइंड में क्या आता है, विमेन को सोच के मेरे माइंड में विमेन एम्पावरमेंट आता है, विमेन को सोच के मेरे को एक सिंबल ऑफ लव याद आता है, या फिर एक फॉर्मेशन याद आता है ऑफ अर्थ, ऐसी चीज़ें जो याद मुझे सम आती है तो उसको लेके मैं विमेन को रिलेट करके अपना थाट या व्यू लिख देता था, ना कि फैक्ट्स। तो इससे मेरा काफ़ी वैट इम्प्रूव हुआ। सिमिलरली SRT के अंदर मैंने काफ़ी कनेक्टिविटी करी, जो इनविजिबल चीज़ें होती है। SRT तो एक बेसिक सी एक या दो लाइन लिखी होती है, उसके बाद आप जितना सोच सकते हो इनविजिबल, वो मैंने काफ़ी इस पर इम्प्रूवमेंट करी। इसके बाद में क्यूरियोसिटी, क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा कोई भी चीज़ को, तो वो चीज़ जैसे आप खुद को कितना जानने की इच्छा रखते हो वो मैंने काफ़ी करा इसके अंदर। अब उसके भी आपके क्रिएटिव आइडियाज़ कि आप खुद को कैसे जानने का कैसे करोगे, आप अपनी लाइफ को कैसे एनालाइज करने वाले हो, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे ढूंढने वाले हो, वो आपका तरीका होता है। फिर उसके बाद में आप जिस फोर्स में जाना चाहते हो उसके बाद उसके अंदर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो कि ठीक है ऐसा ऐसा है, प्लस उसके लिए कि इंडियन आर्मी में क्या कमियाँ हैं। अगर आप सच में अवेयर हो आप इंडियन आर्मी की कमियाँ भी आइडेंटिफाई कर लोगे और उनको कैसे इम्प्रूव करने के लिए आपका क्या आइडिया है। ये चलो आज तो आप नहीं हो उस पावर पे, बट आफ्टर सम ईयर्स 10-20 ईयर्स आप एक पोजिशन पर होगे इंडियन आर्मी के अंदर, तो आप कैसे इम्प्रूव करोगे। एज ए सिटीजन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने इंडिया को और स्ट्रेंथफुल बनाना, तो वो आप अभी से सोचना स्टार्ट करोगे तब आपके आइडियाज़ वहाँ पे इतने अच्छे आएंगे जो शायद बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर। तो फोर्सेस के बारे में जानना बहुत मैंने इच्छा रखी। और एक चीज़ होती है कि फोर्सेस के बारे में कितना पता होना चाहिए। देखो ये कोई अगर आप सच में पैशनेट हो कोई डिफेंस में जाने के लिए तो यार ये सवाल बनता ही नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ पूरी देना चाहते हो इंडियन आर्मी को, जब आपको पता है कितनी रिस्की लाइफ है और आपको पता ही नहीं है कि वहाँ होने क्या वाला है आपके साथ में, तो आप या तो छोड़ के भागाओगे या फिर ज़िंदगी भर कोसोगे अपने आप को या जिन्होंने आपको भेजा वहाँ पर, तो अभी से पता ही कर लो। तो सिर्फ आर्म सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन रैंक्स ये चीज़ें ये तो चलो मस्ट है, बट इसके अलावा भी आपको पता होनी चाहिए चीज़ें अपने खुद के लिए कि जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर है कि मेरी लाइफ कैसे होने वाली है। तो उसके लिए मैं अपने सोल्जर फ्रेंड्स हुए, अपने पापा हुए या जो ऑफिसर जितने भी दोस्त हैं मेरे, सबसे मैं बातें करता था, सुनता था उनके एक्सपीरियंसेस क्या होता है फौज के अंदर, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, हर चीज़ मुझे समझ में आने लगी कैसे वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशन अपनी। तो फिर मेरे काफ़ी क्लियर पिक्चर हो गई थी माइंड के अंदर। और जो मेरे से SSB में सवाल भी पूछे गए थे वो आर्म सर्विसेज नहीं, मुझसे वो बातें पूछी गई थी कैसे बॉर्डर पर एम्बुश लगता है, कैसे हमारे स्नाइपर्स वर्क करते हैं, जो बातें कहीं आपको मिलती नहीं है बाहर, वो आप दूसरों से सुन के ही आपको पता चलती है, लोगों के एक्सपीरियंस से पता चलती है। क्योंकि मैं पैशनेट हूँ आर्मी में जाने के लिए, बहुत क्यूरियस हूँ मैं चीज़ों को जानने के लिए, ना कि सिर्फ आर्मी, कोई भी चीज़ चाहे अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट हो या अपनी लाइफ हो अपनी हॉबी हो, उसको जानने की बहुत इच्छा रखता हूँ मैं, उसके बारे में जानने की इच्छा रखता हूँ। और हॉबीज़ के अंदर क्या, ये गूगल करने से या कहीं और किसी और की हॉबी छापने से नहीं होता, आपकी पर्सनल हॉबी होती है कुछ भी जो भी होती है। जैसे मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ तो मेरी खुद की पर्सनल हॉबीज़ है, मुझे NBA देखना बहुत पसंद है, डेली देखता हूँ, फ्री टाइम निकाल के पक्का देखूंगा। और जो आप फ्री टाइम में डेली कर रहे हो वो आपकी हॉबी होती है। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी हॉबीज़ मिल जाती है, बहुत सारे इंटरेस्ट आपको मिल जाते हैं लाइफ के अंदर, वो आपके पर्सनल होते हैं, तो आप डरते नहीं हो SSB में कुछ भी जवाब देने से, तो वो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना आप सीखते हो। फिर क्यूरियोसिटी के अंदर आप जिस विलेज डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से आते हो
उसके बारे में आप करते हो कि वहाँ के उसमें 5 पॉइंट परसेप्शन लगाते हो, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी जियोग्राफी क्या है, हमारी डेमोग्राफी क्या है, हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है, हमारे सोशो कल्चरल एस्पेक्ट कैसे हैं, वहाँ के चैलेंजेस क्या क्या हैं, फिर उन चैलेंजेस को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास या क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो भी है वो है क्रिएटिविटी और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़। अगर आप ये सोच पा रहे हो तो आप एक लीडर हो अपनी लाइफ के अंदर। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली रिकमेंड भी हो जाओगे। सिर्फ रटी रटाई बातें या गूगल से ढूंढ के या किसी और की बातें सुन के कोई रिकमेंड नहीं होता है, लीडरशिप अंदर से बिल्ट होती है। वर्क हार्ड करो अपनी ओरिजिनलिटी रिटेन करने के लिए, ना कि अपनी जो मास्क अप करने के लिए। एक बहुत बड़ा मिथ है कि कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कोचिंग लो फॉर प्रॉपर गाइडेंस जो आपकी ओरिजिनलिटी रिटेन कराए, ना कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको मास्क अप कराए। जो मैंने अपनी जो कोचिंग ली, मैंने उसका मेन मकसद मेरा यही था अपने आप को इम्प्रूव करना, और वो मैंने किया और लक्ष्य में कराते भी वही हैं। हमारे पास नोट्स कोई देता नहीं है हमें, मैं खुद ही सब कुछ करना होता है अपने माइंड से वर्क करके। फिर इसके बाद में क्यूरियोसिटी के अंदर आप इंडिया के बारे में क्यूरियस काफ़ी हो जानने को कि इंडिया के क्या चैलेंजेस हैं, आपके स्टेट के क्या चैलेंजेस हैं, और बाकी जो इतने इशूज़ हैं इंडिया में, साइबर क्राइम है, वुमेन सेफ्टी है, या टूरिज्म है, या एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इसके ऊपर आप कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, इस पर आप कितने चैलेंजेस ढूंढ पाते हो, फिर उनके ऊपर आप कितने आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव आइडिया सोच पाते हो। माना आपके आइडियाज़ आज वर्क नहीं करे, बट कल को आप एक पोजीशन में होंगे, मान लो आप ऑफिसर भी नहीं बनते हो, कोई IAS बन जाता, कोई IPS बन जाता, तो आप एटलीस्ट उनको अप्लाई तो करोगे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आर्मी में जाके वेलफेयर होता है, आप कोई भी पोजीशन पर होकर आप वेलफेयर ज़रूर करोगे। जो आज इसे माइंड को ट्रेन करो, हमें लीडर बनना है लाइफ के अंदर, ना SSB के लिए नहीं, खुद के लिए, अपने देश के लिए। जो वही मैंने आगे करा एंड इससे मेरे अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। एंड इसके अलावा लेक्चरेट के अंदर भी मेरे अंदर वही था कि आप मतलब मीनिंग लेक्चरेट का यही समझ में आया कि नॉलेज नहीं देनी है और सॉल्यूशंस देने हैं, जो कि मैंने सोचे वो 3 मिनट का यूटिलाइज भी मैं फटाफट यही करता हूँ वहाँ SSB में जाके भी। फटाफट माइंड में कनेक्टिविटी करूंगा, फटाफट 5 पॉइंट परसेप्शन लगाऊंगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या स्टेटस है, क्या चैलेंजेस है, फिर उसके मेरे सॉल्यूशन सोचूंगा फटाफट और उन सॉल्यूशंस को इस बताऊंगा वहाँ पर। एंड आप सॉल्यूशन अच्छे से बताते हो तो मैंने मेरे साथ जो हुआ वो, और मैंने सुना भी था पहले कि ऐसा होता भी है कि लेक्चरेट लोगों का 3 मिनट प्लस भी चल जाता है अगर वो अच्छे आइडियाज़ दे रहे होते हैं तो मेरे साथ भी वो हुआ था लास्ट अटैम्प्ट के अंदर, मतलब 8th अटैम्प्ट के अंदर। जो वो होता है ऐसा, अगर आप सॉल्यूशन अच्छे दे रहे हो तो उनको नॉलेज से मतलब नहीं है, नॉलेज देके ही आप CDS ऐप का क्लियर करके वहाँ पहुँचे हो, एंड नॉलेज इजीली आप अटेन भी कर सकते हो, बट आइडियाज़ आने के लिए आपको थोड़ा सा मेंटली वर्क करना होता है। जो 5 ईयर्स इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज जो करनी चाहिए। एंड जो जितना मैं चेंज हूँ अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, वो कंप्लीट क्रेडिट मैं अभी लक्ष्य अकेडमी को देता हूँ, कर्नल युधवीर सिंह सर को, जिससे मैं इतना इम्प्रूव हुआ हूँ। तो थैंक यू एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।